तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो सेंटर जहाँ पर मैं अपनी वैक्सीन लगवाने गई थी, और आप देख सकते हो साफ़ सफ़ाई बहुत अच्छी है और डिसिप्लिन भी यहाँ पर बहुत अच्छा था। तो मेरा भी एक जो काम था कोवैक्सीन लगवाने का, वो भी पूरा हो चुका है, तो मैंने भी लगवा ली है। उसके बाद मैं रेस्ट कर रही थी थोड़ी देर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिटी के टिवाड़िया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है स्क्रीन पर मोरिंगा का प्लांट, और ये बहुत पहले मैंने लगाया था, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे पत्ते दिख रहे होंगे। ये सारे पत्ते जो हैं वो जो हमारा बड़ा सारा प्लांट है उसमें से कटाई छटाई कर दी गई है, और ये उसी के पत्ते पड़े हुए हैं। तो इन पत्तों का मैं रीयूज़ करूँगी, इनका कंपोस्ट बना लूँगी। लीफ कंपोस्ट जो होती है वो दुनिया की सबसे अच्छी खाद होती है, ये बहुत ही न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है। तो गार्डन में जितने भी पत्ते आपके निकलते हो उनको वेस्ट मत जाने दिया कीजिए। और लीफ कंपोस्ट कैसे बनता है उसका वीडियो है मेरे चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लेना। तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा ये प्लांट, और इस प्लांट का नाम है, इंग्लिश में इसको बनियान ट्री बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं बरगद। तो एक कमेंट आया था कि बरगद प्लांट पर वीडियो शेयर कीजिए। तो देखिए, जो बड़ा प्लांट था वो तो लग चुका है, उसका कमेंट बाद में आया था। तो ये छोटा प्लांट है, इसमें आपको रूट दिख रही होगी अच्छी खासी। तो हम सोच रहे हैं हम इसका बनाए बोनसाई। तो बोनसाई बनाने के लिए आप जो पॉट है वो उसको स्मॉल साइज़ का दिया कीजिए, और अगर आपको बड़ा ट्री चाहिए तो आप 12 इंच का कम से कम पॉट रखिए। तो मिट्टी का रेशियो जो इसका रहेगा उसमें आप 50% मिट्टी लीजिएगा, 20% अपना रिवर सैंड ले लीजिएगा, और बाकी हिस्सा जो है वो कोई भी खाद आप ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे घर का बना हुआ कंपोस्ट हो, या पत्तियों की खाद हो, या वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी। तो आप मिट्टी कैसे रेडी करते हैं, पुरानी मिट्टी या नई मिट्टी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। तो ये 2 से 3 दिन से यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है, वाटर में डिप करके मैंने इसे रखा है, क्योंकि किसी वजह से मैं इसको डिपॉट नहीं कर पा रही थी। तो हमने सोचा है हम इसका बोनसाई बनाएंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा ये पॉट मैंने बहुत पहले बनाया था, इसी पॉट में मैं अपना बोनसाई बनियान ट्री की ग्रोथ करना सोच रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें यहाँ इस तरफ होल बनाया हुआ है, मैंने होल बना रखा है इसमें, ठीक है। तो मिट्टी का रेशियो जो मैंने आपको बताया है वही मिट्टी आप इसमें रख लेना। देखिए, यहाँ एडिशनल चीज़ें मैंने कुछ डाली थी, वो ऊपर से मिट्टी डल गई हैं तो उसकी वजह से वो छुप गया है। तो थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाला था मैंने इसमें, ये वाइट वाला एप्सम सॉल्ट है, यहाँ पर नीम की फली है, इधर थोड़ा सा मैंने डाला था फंगी पाउडर, और यहाँ ये ब्लू कलर का सी ग्रीन टाइप का जो पड़ा था वो मिट्टी की वजह से मिक्स हो गया है। ये वाला देखिए, ये है हमारा फंगी पाउडर, ठीक है। ये जो आपको नीला सा दिख रहा है फंगी पाउडर है। तो मिट्टी का रेशियो जो मैंने आपको बताया है वही मिट्टी आपको रेडी कर लेनी है और अपने पॉट में इसको भर लेना है। तो ये जो होल है, किसी भी ईंट पत्थर के टुकड़े से आप इसको कवर कर लिया कीजिए, चाहे वो बड़ा पॉट हो आपका या छोटा पॉट हो, उसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कवर नहीं करोगे तो मिट्टी उसमें फंस जाएगी और वो वाटर को जाने नहीं देगी, कुछ टाइम के बाद वहीं पर फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल भी वाटरिंग जो हम करते हैं उसके बाद वो पानी को निकलने नहीं देगी। तो पानी को निकलने के लिए आराम से रास्ता मिले तो जो आप होल करते हो अपने किसी भी पॉट में, तो उस पर ईंट पत्थर का टुकड़ा ज़रूर रख दिया कीजिए। तो ये देखिए, कुछ इस टाइप से हम इसको लगाना सोच रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो मैं इसमें मिट्टी भर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी मैंने इसमें फिल कर ली है। इसके बाद आपको ऐसे अपनी मिट्टी को दबा देना है बहुत अच्छे से, एयर बबल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए आपकी मिट्टी में, आपके पॉट में। जब भी आप उसमें मिट्टी भरते हो तो अच्छे से अपनी फिंगर की, अपनी थंब की, या किसी टूल की हेल्प से आपको ऐसे उसको पुश करते जाना है, ये देखिए, ठीक है। अच्छे से दबा दबा कर मिट्टी को भरना है। पीपल बरगद एक ऐसे प्लांट है, ये दोनों बहुत सारे और भी प्लांट हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छी हवा को प्योरीफाई करते हैं, और जितने भी हमारे पहले टाइम में ऋषि मुनि होते थे आप सबने देखा होगा, वो इसी टाइप के किसी ना किसी बड़े से प्लांट या ट्री के नीचे बैठ कर अपनी तपस्या वगैरह करते थे। तो इनके नीचे बैठने से या इनके आस पास पॉजिटिव एनर्जी का बहुत सारा भंडार होता है। तो इनको इग्नोर मत किया कीजिए कि ये पीपल है, ये बरगद है, ये कोई भी हो प्लांट है, ग्रीनरी फैला रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है। तो आप इसको अपने घर में, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड किया कीजिए। खाद की अगर मैं बात करूँ तो महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में जब भी आपको टाइम मिले, 100 से 150 ग्राम के करीब आप इसमें खाद डाल देना, कोई भी खाद डाल सकते हो। और इन
पीपल, बरगद जितने भी प्लांट हैं इनके ऊपर कोई भी पेट्स वगैरह अटैक नहीं करता है। स्पाइडर माइट अगर आ जाती है तो आप क्या करोगे, नीम ऑयल का स्प्रे कर देना जब भी आपको दिखे, या फिर एक महीने में एक बार ज़रूर कर देना, ठीक है। वाटरिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट को वाटरिंग देखिए लिमिटेड चाहिए हमेशा। जो भी प्लांट ऐसे होते हैं वाटरिंग जिनको कम चाहिए उनके लिए मैं हमेशा बताती हूँ, आप उनकी लीव देखा कीजिए, अगर उनकी लीव्स चौड़ी है तो उनको पानी की ज़रूरत कम है। मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी सेकेंड टाइम आप वाटरिंग कीजिए, अगर मिट्टी गीली है तो छोड़ दीजिए, वाटरिंग मत कीजिए नेक्स्ट डे करना, ठीक है। तो खाद की बात हो गई, मिट्टी की बात हो गई, सनलाइट की मैं बात आपको बता ही चुकी हूँ, पूरे दिन की धूप आप इसको दीजिए, जितनी भी देर की धूप आपके घर में या आपके टेरेस पर आती हो उतनी देर की धूप इसको दीजिए, बिल्कुल सीधे सनलाइट में मत रखिए, जो इसको छन कर धूप आती है उसमें रखोगे तो भी आराम से चल जाएगा, ठीक है। किसी बड़े से प्लांट के नीचे रख दीजिए, जिसे बोलते हैं ना सेमी सेड एरिया, वहाँ पर आप रख दोगे तो भी आराम से चल जाएगा, ठीक है। और इसकी प्रोपोगेशन की मैं बात करूँ तो इसको सीड से भी आप ग्रो कर सकते हो, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, प्लांट लेकर भी लगा सकते हो। परमानेंट प्लांट है, हमेशा आपके घर में आपके गार्डन में रहता है, सिर्फ डोरमेंसी पीरियड इसका मैं बताना चाहूँगी तो वो होता है बिल्कुल जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, दिसंबर से जनवरी के बीच में जो ठंड पड़ती है उसी टाइम ये सारे जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं वो लीव्स गिरा देते हैं। बट आप इनको छेड़ा मत कीजिए, थोड़ी सी वाटरिंग कम कर दीजिए, खाद वगैरह मत डालिए, कुछ भी आप इनको छोड़ दिया कीजिए इनके हाल पर। जैसे ही मौसम बदलेगा, ठंड जाएगी, थोड़ी सी धूप तेज होगी, स्प्रिंग आएगा, इनमें दोबारा से लीव्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इसकी केयर टिप्स थी, जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी आई होप उनको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वाटरिंग की बात भी मैंने आपको बता दी है और मैं वाटरिंग कर देती हूँ, बातों बातों में वाटरिंग करना भूल गई थी। ये देखिए, तो आपको मिट्टी बिल्कुल ऐसी बनानी है जिसमें से आपका वाटर जो है बिल्कुल अच्छे से निकल जाए, ठीक है। मिट्टी पर ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसको ऑल पे प्रेस कीजिए, तभी डेली की नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी और आप मेरा वीडियो देख सकोगे। मैं डेली सुबह मॉर्निंग में 9 बजे अपना वीडियो अपलोड करती हूँ, तो वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, कॉमेंट ज़रूर किया कीजिए आपको किस टॉपिक पर या किस टाइप के वीडियो देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।